बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड हाउ इट वर्क्स। बेसिकली इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म विच आर सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैस ऑफ द प्रेसिपिटेट दीज द क्वांटिफिकेशन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाज परफॉर्म। The precipitates were allowed to settle down. They were filtered out, washed away, and dried. And after drying, their concentration of the analyte was determined. But in this lecture, we will talk about different types, different classification of gravimetric analysis. Let's start. When we talk about the classification of gravimetric analysis, we have four different classifications of gravimetric analysis. Number one is precipitation gravimetric analysis, in which insoluble solids are formed as the precipitates, and we isolated them, and after filtering, washing, drying, these precipitates were quantified. The second type is thermogravimetric analysis. In this type, we provided heat in a linear manner or in a programmed way, and the sample weight will be recorded as a function of time. In the third type, which is electrogravimetric analysis, in this electrogravimetric analysis, the analyte solution will be electrolyzed, and the analyte will be deposited on the cathode. And the fourth type, which is particulate gravimetric analysis, in this gravimetric analysis we have two categories. One is when the precipitates are of the bigger size. I mean, they cannot pass through the filter paper. They can be filtered and collected by filtration process. The second chance is if the precipitates are not bigger enough, they cannot pass through the filter paper. But the second chance is they can pass through the filter paper, and they have the lesser size as compared to the pores of the filter paper. Then these particulates will be collected in the process of extraction process. So we will discuss these four types one by one in upcoming slides. Okay, we'll start with the introduction of gravimetric analysis. Why we say it gravimetric analysis? Gravimetric analysis को हम gravimetric इसलिए बोलते हैं कि इसमें जब भी एक analyte का, जिसको हम measure करने जा रहे हैं और उसको हम किसी दूसरे precipitating agent के साथ react करवाते हैं, और वहाँ पे जो भी product बनती है वो उस मदर लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होती है। उसकी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से वो जो है वो उस कंटेनर की बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है, बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है। और वो बॉटम पे इकट्ठा इसलिए होता है कि वो जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू होता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट का नाम देंगे, वो प्रेसिपिटेट जो है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो उस कंटेनर के बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसकी बुनियाद है। तो इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो ये बेसिकली एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव टेक्निक भी है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट है और प्रिसाइज मेथड है इन द क्लासिकल एनालिटिकल टूल्स के अंदर। तो ये जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जिस भी एनालाइट को हम मेजर करना चाहते हैं, उसको जांचना चाहते हैं, उसकी पड़ताल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी उसकी मौजूद है हमारे हमारे सॉल्यूशन के अंदर, हमारे सैंपल के अंदर, तो हम उसका
उसका वेट की बेसिस पे, वेट आपको पता है कि एक जो है W इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो करेंगे तो हमारे पास वेट आता है। तो वेट जो है हमें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से किसी भी कंपाउंड का जो हमें मिलता है वो वेट, वेट की बुनियाद पे हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एनालाइट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर द अमाउंट ऑफ एनालाइट इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द मास ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द टारगेटेड एनालाइट। हम जो दो कंपाउंड्स या दो दो मिक्सचर्स को, दो सॉल्यूशंस को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट बनते हैं। उस प्रेसिपिटेट का वजन किया जाता है, उस वजन के साथ कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप्स वी विल सी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। इन क्लासिकल एनालिटिकल मेथड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट देन यू नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक क्लासिकल एनालिटिकल टूल्स एंड वन ऑफ देम इज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। सो दिस प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इंक्लूड अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज टू डिटर्मन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट बेस्ड ऑन इट्स मास। So gravimetric, the precipitation gravimetric analysis is one of the most accurate and precise method for the quantitative analysis. So this gravimetric precipitation gravimetric refers to the measurement of the concentration of analyte on the basis of the weight. In precipitation gravimetric analysis, the amount of analyte is calculated by measuring the mass of a pure substance containing targeted analyte. And a simple example of this precipitation gravimetric analysis is the measurement of the solid suspended particle in a given sample. A known volume of the water is allowed to filter and through this filter paper the water will be passed out and the insoluble residues will be stopped by the filter paper and these solid particles will be collected and the difference in the weight of the sample will be used to perform the estimation of the suspended solid in the particle. In most of the cases, analyte must be converted to a solid particles by precipitation with an appropriate reagent, which is named as precipitant. So when you are going to mix the precipitant and the sample, there will be a reaction which is going to occur, and in the end, the reaction, when the reaction reaction completed, the formation of the precipitate will be appeared, and this precipitate will be settled down at the bottom of the container, and these precipitate will be collected by a filtration process, and after filtration, these insoluble residues, these precipitate will be washed away with a suitable solvent. In most of the cases, we are using distilled deionized water to wash the precipitate, and after these washing is done to remove any impurity in it. If there is any impurity, the washing is a process to wash away that impurity. After washing, these precipitates will be dried and to remove the traces of moisture in the sample.
in the precipitate, and after removing the traces of moisture from the sample, these precipitate will be weighed, and the amount of the analyte in the original sample can then be calculated from the sample, from the mass of the precipitate and its chemical composition. Okay, gravimetric analysis के अंदर कुछ certain steps हैं जिनको हमने follow करना है, कुछ terms हैं जो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले जब आप gravimetric analysis की तरफ आते हैं, you need to understand कि what is solution. Solution basically is a combination of a solute and a solvent. तो solute कोई भी सब्सटेंस जो आम तौर पे यूजुअली हम कहते हैं कि पाउडर फॉर्म में होता है और लेस क्वांटिटी में होता है, और जबकि जो सॉल्वेंट है उसे आम तौर पे लिक्विड में लिया जाता है, लिक्विड समझते हैं आम तौर पे, और उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है. जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वी विल हैव अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूशन के साथ एक पैरेलल टर्म होती है जिसे हम कहते हैं अमाउंट और कंसंट्रेशन. इन दोनों का भी हमें फ़र्क पता चलना चाहिए कि अमाउंट किसे कहते हैं और कंसंट्रेशन किसे कहते हैं. अमाउंट जो भी वेट क्वांटिटी है, लाइक 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम, आई मीन 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, जो भी अमाउंट जिसको आप वज़न कर सकें वो अमाउंट कहलाती है. अब वो जो अमाउंट आपने ली है, अब उसे आप किसी खास स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर आप डाल देते हैं तो वो कंसंट्रेशन बन जाती है. लाइक आप कहते हैं मैंने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेके 100 ml वाटर में डाल दिया, तो वो जो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा उसी कंसंट्रेशन होगी कि 100 ml के अंदर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो वो कंसंट्रेशन कहलाती है. जब आप एक अमाउंट लेते हैं वो वेट क्वांटिटी होगी, और जब उस वेट क्वांटिटी को आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ऐड कर देंगे तो वो आपके पास कंसंट्रेशन बन जाती है. तो इसी इन चीज़ों को समझने के साथ साथ आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है बाय टेकिंग अ सूटेबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच विल बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा. तो वी विल प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. देन वी विल ऐड अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का मकसद क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर हमारा टारगेटेड एनालाइट है उसके साथ वो रिएक्ट करके और आपको प्रेसिपिटेट बना के देगा. वो प्रेसिपिटेट्स को हम वो प्रेसिपिटेट जो हैं वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो उस बॉटम पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं. फिर हम डाइजेशन करते हैं, आई मीन उस जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होते हैं उनके डाइजेशन की जाती है, और फिर डाइजेशन के बाद उन प्रेसिपिटेट को हम आइसोलेट करते हैं. जैसा कि आपको पता है फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के ज़रिए से फनल को यूज़ करते हुए आप सॉल्यूशन को उस फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, तो फिल्टर पेपर में से जो जो सॉल्वेंट होता है वो उसमें से पास आउट हो जाता है, और जो प्रेसिपिटेट होते हैं जो कि इनसॉल्युबल रेजिड्यूज होते हैं वो प्रेसिपिटेट जो है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं. उन फिल्टर पेपर के ऊपर बचने वाले प्रेसिपिटेट को हम वॉश करते हैं. वॉश करने के साथ हम उनको ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें उसका टेम्परेचर जो है वो अबाउट 65 के दरमियान रखा जाता है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है जो प्रेसिपिटेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, बर्न ना हो जाए. तो उसको भी आपने ऑब्जर्व करना है कि हाफ एन आवर समटाइम इनफ होता है, समटाइम ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है. तो ये ड्राइंग जो है इसको आप ड्राइंग करने के बाद जो आपके पास प्रेसिपिटेट बचते हैं उसको आप वे कर लेते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस. तो वेइंग करने के बाद आप कैलकुलेट करके जो भी कंपाउंड है उसकी आप कंसंट्रेशन उसकी आप अमाउंट निकाल सकते हैं. ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है बाय परफॉर्मिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो आपका एनालाइट है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता हो. ये ना हो कि वो जो आप सैंपल है उस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं उनकी
आपस में रिएक्टिविटी ना हो रही हो, जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, तो आपके पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन ही नहीं होगा इन ट्रू सेंस। तो इसलिए आपके पास जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हो और जो आपका सैम्पल सॉल्यूशन है, दोनों की नेचर आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और जब वो आपस में मिलें तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो होना चाहिए। अब रिएक्शन होने की सूरत में प्रेसिपिटेट बनती हैं। अब प्रेसिपिटेट बनने का जो प्रोसीजर है, समटाइम वो मैंने पहले बताया कि कुछ सेकंड से कुछ घंटों तक चला जाता है ये, तो आपने उसको प्रॉपर टाइम देना है ताकि सारे के सारे एनालाइट जो हैं वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट हो जाएं, ताकि मुकम्मल तौर पे जो एनालाइट है वो जो एनालाइट है जो सैंपल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और वो एक इनसॉल्युबल रेजिड्यू के फॉर्म में नीचे बैठ जाए। इस तरह सिल्वर कैटायन जो है वो आप जब किसी एनायन के साथ जो क्लोराइड है जो किसी और सोल्यूशन में होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे पार्शियल सॉल्युबल होता है, नीचे बैठना शुरू हो जाता है। अब जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो आप को ये श्योर होना चाहिए कि वो जो प्रेसिपिटेट बना है उसकी कंपोजिशन आपको पता हो। आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म, आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, जो हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी कंपोजिशन आपके जहन में होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ ये है कि जो भी प्रेसिपिटेट बनेंगे वो प्योर हों, उसमें इम्प्योरिटीज़ ना ऐड हों, उसमें कंटेमिनेशन ना हो, वो प्योर सब्सटेंस हो जो आप फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद इसको आप वजन करें और उसकी क्वांटिटी आप अगर उसमें उस प्रेसिपिटेट के अंदर वो इम्प्योर हुआ और वहाँ पे कंटेमिनेशन हुई, तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं और आपकी जो एस्टिमेशन और मेजरमेंट है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं होगी, आप रॉन्ग रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, शुड बी प्योर, मस्ट बी प्योर। और लास्ट स्टेप जो है, जो प्रेसिपिटेट्स आप बन रहे हैं वो इजीली फिल्टर भी हो जाएं, ये ना हो कि वो फिल्टर ही ना हो रहे हों या क्लॉग कर दें उसको, फिल्टर पेपर को, तो उसमें से पास भी ना कर जाएं। इतने इतने साइज छोटा भी उसका नहीं होना चाहिए फिल्ट्रेट्स का कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाए। तो आपने फिल्टर पेपर भी रीजनेबल जो है उसका मेश साइज होते हैं वो आपने यूज़ करना है, उसकी लिटरेचर पहले पढ़ लेना है कि कौन से रिएक्शंस के लिए कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको अंडरस्टैंड करके फिर आपने रिएक्शन, ये बेसिकली क्राइटेरियाज हैं जो आप ग्रेविमेट्री एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आपके जहन में होना चाहिए। इस स्लाइड के अंदर सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन को शो किया गया है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय द सिंपल रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, दिस विल यील्ड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिसको आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्राई करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज दीज आर the precipitations of silver chloride.
स्लाइड के अंदर एक वीडियो आपसे शेयर की जा रही है, इसमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेशन का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, जब हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं, तो जो ही उसका ड्रॉप जो है लेड नाइट्रेट का पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता है, तो ब्रिलियंट येलो कलर के लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो बनने के साथ ही अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो बॉटम की तरफ सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। The second important quantitative analysis among classical analytical methods, this is the thermogravimetric analysis. In thermogravimetric analysis, a thermal analysis is performed in which the mass of the sample is measured along with the changes in the temperature. So when the temperature changes, the sample changes, the concentration of different analyte changes along with the temperature. So this measurement provides information about some physical phenomena as well as some chemical phenomena. This physical phenomena includes the phase transition, absorption, adsorption and desorption. These are the phenomena which are involved in the physical and the chemical phenomena, such as chemical adsorption and the thermal decomposition. These physical and chemical phenomena occurred in thermogravimetric analysis, and this thermogravimetric analysis is performed in a thermogravimetric analyzer. These thermogravimetric analyzer consists of a precision balance with a sample pan located inside a furnace with a programmable control temperature. The temperature is generally increased at constant rate to incur a thermal reaction. The thermal reaction may occur under a variety of atmospheric atmospheres, including in ambient temperature. I mean, you can perform this gravimetric analysis in vacuum. You can use inert gases, oxidizing or reducing gases, corrosive gases. These all the gases can be used to perform the thermogravimetric analysis. So in other words, you can use different atmosphere. I repeat, ambient air, vacuum, inert gases, oxidizing or reducing gases, or corrosive gases can be utilized in thermogravimetric analysis. Okay, then a variety of pressures can also be employed, such as high vacuum, high pressure, constant pressure, or a controlled pressure. So these pressure values can be varied in thermogravimetric analysis. The thermogravimetric data collected from this thermal reaction is compiled, and then the mass of the analyte and the temperature over time. These three parameters are in our hand. We can plot them by taking the mass on the y-axis and the temperature or time on the x-axis, then we will have a thermogravimetric analysis curve. So this thermogravimetric analysis curve can be used for the material characterization through analysis of characteristic decomposition pattern which occur in thermogravimetric analysis. So this thermogravimetric analysis is very useful technique for the study of polymer materials such as thermoplastics, thermosets, elastomers, composite material, plastic films, fiber, coating, and paints. Okay, in order to perform thermogravimetric analysis, an instrument which name is thermobalance or thermogravimetric analyzer is used, and the curve, which is thermogravimetric analysis curve, is obtained. It's known as a thermogram.
This thermogravimetric analyzer consists of major five parts, which is known as microgram balance. And the second is autosampler, third is the thermocouple, fourth is a temperature programmer, and the fifth one is a data acquisition system. A furnace which can be heated so that the temperature gives linearity with the time. This furnace is made up of quartz, and it can be heated up to 1000 degrees Celsius. And the microbalance is there to serve to weigh the sample, and autosampler helps to load the sample on to the microbalance. A known weight of the sample is taken in a crucible which is enclosed by a furnace. The furnace temperature is raised slowly, and the temperature of the sample and the corresponding weight are taken. A platinum rhodium thermocouple is used to measure the sample temperature, and the change in the weight are found out by finding the beam deflection on adding a known weight to the pan. So at the end, the data acquisition system records all the changes in the sample and records the temperature change, and finally this instrument will give you a thermogravimetric analysis curve, which is known as thermogram. In this picture, in this slide, you can see the thermogravimetric analyzer, and you can see there is a balance control, recording balance, atmosphere control, furnace and the sample holder, and the temperature sensor, and the furnace temperature programmer. These all parts are there. We discussed in the last slide. So this gravimetric analyzer is used to analyze the sample on the basis of thermogravimetry. Okay, we can classify this thermogravimetric analysis into three categories, which can be named as isothermal or static thermogravimetric analysis. The second one is the Ghazi static thermogravimetric analysis, and the third one is dynamic thermogravimetric analysis. In isothermal or static thermogravimetric analysis, the sample weight is recorded as a function of time. We are going to fix a temperature at a constant value, and we will record the weight of the sample as a function of time. We will be focusing on the sample weight by considering the temperature at a constant value. So in this condition, we can name this category as isothermal or static thermogravimetric analysis. The second category, that's Ghazi statistic gravimetric analysis. In this technique, the sample is heated to a constant weight each of the series of increasing temperature. In this we are not going to fix a temperature, we are going to increase the temperature of the analysis until we got a constant weight of the sample. So the third category in the thermogravimetric analysis is dynamic thermogravimetric analysis. In this, sample is heated in an environment whose temperature is changed in a linear manner. I mean, you are going to increase the temperature gradually in a perfect equal interval of time, and you will be able to record the sample weight and its and then after these three thermogravimetric analysis, you can perform one or more than one assays to characterize the analytical sample. In this slide, you can see the TGA curve, that is thermogravimetric analysis curve. In this curve, in this plot, which is
between two parameters. Number one, temperature along the x-axis, and the weight changes, which is along the y-axis. Initially, when the sample is placed in a thermogravimetric analyzer, it's up to certain temperature, its weight remains same. Then after reaching to the corresponding temperature, the weight of the sample gradually falls, and the temperature goes on. This gravimetric analysis curves will give you some information about the composition of the sample. We can use this thermogravimetric analysis technique in different fields of research. Using thermogravimetric analysis, purity and the thermal stability of primary and secondary standards can be determined. Primary standards are those whose concentrations cannot be changed over the time of experiment, which is under the way. And secondary standards are those reagents or compounds whose concentration changes with the time. For example, if you prepare a 1 molar solution of sodium hydroxide, as you know, sodium hydroxide will is a hygroscopic compound. It will absorb the moisture from the environment, and its concentration will goes down with the time. Similarly, KMnO4 is a reducing agent, is a strong oxidizing agent. It can take its concentration will be varying with the time. So different primary and secondary standards can, and their purity and thermal stability can be checked by using thermogravimetric analysis. Similarly, the decomposition of complex and the composition of complex mixture can be recorded using thermogravimetric analysis. Different substances have ability to ability for sublimation, and their sublimation behavior can easily be determined using thermogravimetric analysis, as this technique involves maximum temperature up to 1000 degrees Celsius. So up to 1000 degrees Celsius, those compound whose sublimation temperature is falls in this range, 0 to 1000 degrees Celsius, so those compounds can those compound and their sublimation behavior can be studied in utilizing thermogravimetric analysis. Similarly, if you want to study the kinetics of reaction rate constant of different reactions, we can use thermogravimetric analysis. The third important quantitative analysis, which is usually performed in the laboratory to calculate the concentration of an analyte, is electrogravimetric analysis. This electrogravimetric analysis is performed to separate and quantify the ions present in a substance. These ions usually are metal ions. So electrogravimetric analysis, a sample is electrolyzed. The analyte solution is electrolyzed. After electrolysis, these electrochemical reduction causes the analyte to be deposited on the cathode terminal, and the mass of the cathode is determined before and after the experiment, and the difference in that value is used to calculate the mass of analyte in the sample under investigation. So when you are going to perform the analysis, you will be required to calculate the mass of the cathode, and after electrolysis, the
analyte will be deposited on the cathode. So after the experiment, you will be needed to again weigh the mass again weigh the cathode terminal, and the net weight at the cathode terminal will give you the yield of the analyte which is deposited on the cathode terminal. So if you are interested to perform the electrogravimetric analysis, then you should be able to control the potential of the electrode, which is very much important to ensure that only the metal being electrolyzed will be deposited on the electrode. There must be no contaminant, there must be no other element that should be deposited on the electrode. Only the analyte of concern, the concerned analyte or the targeted analyte, will be deposited on the electrode. So the phenomenon of electrolysis, in the phenomenon of electrogravimetric analysis, the polarization exert a back electromotive force in electrolysis, which reduces the actual electromotive forces of the cell. So electrolysis of an electrolyte is possible only when this back electromotive force is overcome. If two separated platinum electrodes are used in a dilute solution of copper sulfate, and if a source of potential is applied, no appreciable current will flow through the system until some minimum potential is applied, after which the current will increase as the applied potential increases. So when there is a potential difference, the current will be able to flow. Otherwise, when the current is not able to flow between the terminals, there will be no electrolysis. So the applied voltage, which is just sufficient to overcome the back electromotive force due to polarization and also to bring about the electrolysis of the electrolyte without any hindrance, is known as decomposition potential. The value of this decomposition potential, how we can calculate it, we are going to show you in the next slide. So in this slide, you are able to see equation. In this equation, you can calculate the decomposition potential. This decomposition potential is equal to EB plus ES plus EV. So this EB correspond to the theoretical counter or the back potential, and EV is the over voltage, and ED is a decomposition potential, and EA is the applied potential. So with this equation, you can calculate the decomposition potential to perform the electrogravimetric analysis. In this slide, you can see a schematic diagram of electrogravimetric instrument. Basically, electrogravimetry is based on an analysis that is carried out by passing an electric current for a sufficient length of time to ensure complete oxidation or reduction of an analyte to a single product of known composition. So in this instrument, you can see there are two electrodes, one is anode, another one is cathode. When the electrolysis of the solution of analyte is carried out, the analyte is deposited on the cathode, and the mass of the cathode is recorded before and after the experiment, and the net change in the cathode is recorded. From this, you can calculate the mass of the analyte which is deposited on the cathode. So this electrogravimetry is moderately sensitive, more accurate, require no preliminary calibration against standard. So it means this is an absolute analysis is possible,
So using this electrogravimetry, you can separate and determine metallic species having standard potential that differ by only few tenths of the voltage, for example copper, bismuth, lead, cadmium and zinc, etc. Here in this slide, you can see the last type of gravimetric analysis, which is particulate gravimetric analysis. In particulate gravimetric analysis, mass of a particulate analyte is determined following its separation from the its matrix. There are two methods which are conventionally used to separate a particulate analyte from its mixture, from its matrix. One is a filtration and other is extraction. And the filtration usually is done, the particle retention depends on the size of the filter pores, the filter paper that you are using. And if you are using a cellulose fiber, filter paper, its pore sizes ranges from 30 millimeter to 2 to 3 millimeter. And the glass fiber filter, their pore sizes are 0.2.5 millimeter to 0.3 millimeter. So if the size of the particulate is bigger than the pore size of the filter paper, then the filtration process would be sufficient to separate the particulate matter from the matrix. If the size of the particulate analyte is less than that pore size of the filter paper, then you need to extract that particulate matter by using extraction process. So determination of the suspended solids is an example of the particulate gravimetric analysis. So particulate gravimetric analysis is very much important in the environmental analysis of the water, air and the soil sample.